अरे इतना क्यों ताड़ रहे हो रतन सिंह? घर मेरा, बेटा मेरा, लेकिन बेटी तुम्हारी। मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है आधी रात को? है क्यों, हो गई ना बदहजमी? बाबूजी, मोल आओ मेरे साथ। छुप छुप के मुझसे मिलने नहीं आई है, बल्कि मैंने उसे बुलाया था। बड़ी निर्लज लड़की है, लड़के ने बुलाया ठीक है, पर आधी रात में किसी लड़के के घर जाना और छुप छुप के मिलना, ये ठीक नहीं है। अरे शुक्ला जी, अकेले लड़की को क्यों दोष दे? संस्कार तो माँ बाप से ही आते हैं ना। सही बात। क्यों रे कमला, जहरीली? शाम को तो तेरे मुंह से बड़ा जहर टपक रहा था। दाना धन, तू ताने मारे जा रही थी मेरी भैया को धन से, है? अब तुझे पता चल गया इनकी असलियत रईस जादों की। अरे देर आए दुरुस्त आए दीदी, आखिर इन मोहल्ले वालों को पता तो चल गया कि ये बाप और बेटी क्या बना है, है? अरे ये सब तो खालिख पोतने आए थे उनके मुंह पे, वो तो भला हो मेरा कि मैंने रोक लिया इन्हें। बाबूजी, मैं अनमोल से प्यार करता हूं। बाबूजी, हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। अनमोल से बात करना चाहता हूं। चलो चलो, आज के लिए बहुत हो गई ये रतन सिंह की बेइज्जती, अब कल चलो घर पे जाओ। अपने घर की दहलीज लांघने से पहले
हमारी इज्जत के बारे में तो सोच लिया होता अनमोल। अनमोल तुम किस बात का बदला ले रही हो? मैं बदला नहीं ले रही हूँ पापा, बस अपने दिल की सुन रही हूँ। आज रोकोगे तो मैं कल फिर जाऊंगी, जाऊंगी जरूर। शत्रु रतन सिंह नहीं है मेरा, खुद अपनी औलाद है। जा जाके थोड़ी कालिख ले आ और फूंक दे अपने बाप के मुंह पे। बाबूजी आप ये क्या कह रहे हैं? अरे तो और क्या कहूं, सबके सामने प्रेम का स्वीकार करने की क्या जरूरत थी, क्यों बोला तू बीच में? बाबूजी अब जब भी अनमोल के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहेंगे मैं बोलूंगा। आपको यह एहसास दिलाने के लिए कि वो आपके दुश्मन की बेटी नहीं है बल्कि आपके बड़े बेटे की जिंदगी है, उसका प्यार है। मैं निखिल से प्यार करती हूँ। मैं अनमोल से प्यार करता हूँ। को क्या हो गया? मेरे कपड़े? मेरी सारी चीजें गायब है। क्या हुआ अनमोल?
खाना खाओ, तुम्हारे लिए खास बनाया गया है। आप क्या कहना चाह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बताइए। सीधी सी बात है अनमोल, तुम घर से भागना चाहती हो ना? दरवाजा खुला है, कभी भी जा सकती हो। तो तुम जाओगी कहां? पंडित के झोपड़े में ही ना? तो मैंने सोचा तुम्हें अगर गरीबी में रहना ही है तो मैं उसका टेस्ट ड्राइव दे दूं तुम्हें। अनमोल, वहां तो तुम्हें ये रूखी सूखी मिलेगी ना? अनमोल, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। प्यार के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। गरीबी की धूप में ना कब प्यार भाप बनकर जिंदगी से बाहर निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अनमोल, तुम्हारा एक महीने का ब्यूटी पार्लर का जो खर्चा है ना, उसमें उनका पूरा परिवार पलता है। उनके रहन सहन और हमारे लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का अंतर है। सपने तो छोड़ो, तुम्हारी जो रोजमर्रा जरूरतें की चीजें हैं ना, उन्हें लेने के लिए भी तुम्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। ये सब झेल पाओगी? ऐसे अभाव में जिंदगी जी पाओगी अनमोल? पापा, जानती हूं कि आप मुझे डराना चाहते हैं, पर मैं भी आपकी बेटी हूं। डरना कभी सीखा ही नहीं। पापा, आप निखिल को नहीं जानते। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अनमोल, आप तुम बोलती जाओ, हम सुन रहे हैं। पापा, निखिल खुद भूखा रहेगा पर मुझे कभी रूखी सूखी नहीं खाने देगा। वो बहुत मेहनती है, उसके एग्जाम्स अच्छे गए हैं और बहुत जल्द उसकी अच्छी जॉब भी लग जाएगी। मेरी जरूरतें, मेरे सपने, वो सब कुछ पूरा करेगा। ऐसी सुबह वहां कभी नहीं होगी पापा। अनमोल, अच्छा कि तुमने ये सब कुछ मुझे बता दिया। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे आगे क्या करना है। सपने तो तब पूरे होंगे ना जब उसका करियर बनेगा। उसका करियर बनने से पहले ही उसका करियर बर्बाद कर बर्बाद कर बर्बाद कर बर्बाद कर। डिग्री तो मिलेगी पर जॉब नहीं मिलेगी।
पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगा उसे। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? डर लग रहा है ना? जाओ उसे मिलो। दर दर भटकने के लिए मजबूर नहीं किया ना तो मेरा नाम रतन सिंह नहीं। पंडित जी अब आप शंख बजाइए। अशोक, अशोक क्या कर रहा है तू? इस सब से क्या होगा? अब बदला लेने के लिए तू क्या जादू टोना करेगा? तुम समझ नहीं रही हो दीदी, जादू टोना मैं नहीं कर रहा हूं, जादू टोना तो उस लड़की ने किया है हमारे बेटे पर। मैं तो सिर्फ ये यज्ञ करवा रहा हूं ताकि हमारे घर पे किसी की नजर न लगे, हमारे घर में सर्वत्र शांति हो और हमारे घर में रहने वालों को सद्बुद्धि मिले। अशोक तो फिर धन से एक छोटी सी पूजा करवा लेता, ये सब तामझाम करने की क्या जरूरत थी? ये मात्र हवन नहीं है दीदी, ये शंख ध्वनि है, युद्ध का ऐलान है। सारे ब्रह्मांड में उस रतन सिंह जैसा न कोई मेरा शत्रु पैदा हुआ है और न ही कभी होगा। उस दुराचारी को अपने पैसे का बहुत घमंड है ना, मेरी बेइज्जती करवाई, अब देखना मैं उसे ऐसा सबक पढ़ाऊंगा जो उसे जन्म जन्मांतर तक याद रहेगा। अशोक, अशोक तू बात को आगे क्यों बढ़ा रहा है? भूल जाना ये सब कुछ। हाँ बाऊजी, अब ये सब क्यों कर रहे हैं? ये तू मुझसे पूछ रहा है? इस यज्ञ के फल स्वरूप ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि देगा, इस घर में पुनः शांति का वास होगा, इसलिए ये यज्ञ करवा रहा हूं मैं। सबसे पहले तो इस घर पे जिसकी बुरी छाया पड़ी है उस रतन सिंह से मैं निपट लूं, उसकी नजर उतार लूं और तत्पश्चात मैं भगवान नरसिंह का आह्वान करके मेरे अंतर में उनके सुरक्षा कवच को जागृत करूंगा और उस रतन सिंह को मात दूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.